हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में तुम लोगों से मैं बात करने वाला हूँ, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से मैं बात करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली किस बारे में? तुम लोगों की इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन अबाउट व्हाट? तो सबसे पहले तुम लोग के कुछ डाउट्स आ रहे थे, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ रहे थे, भैया ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे तो चलेगा क्या? भाई एक बात बता, तू ऐप नहीं डाउनलोड करेगा तो पेपर कैसे देगा? जिसका भी डाउट है, बिना CoQuiz ऐप के आप पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है? आप चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, चाहे मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, चाहे टैबलेट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो है CoQuiz, ठीक है? उस CoQuiz ऐप को डेस्कटॉप की भाषा में सैप टूल बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट का जो मैं तुम लोगों को लिंक बताया था, ये देखो तुम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें ये देखो, ये जो फाउंडेशन मॉक टेस्ट इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आया, इसको मैंने ओपन किया न्यू टैब में, तो ये देखो ये ओपन हो गया। अब ये जो ओपन हुआ है यहां पर, तुम लोगों को रुको मैं जूम करूं तुम्हारे लिए थोड़ा, हाँ ये देखो, ये जो तुम लोगों का ओपन हुआ है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मोबाइल फोन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, इस लिंक पे जा रहे हैं, ये देखो ये वाली लिंक में मोबाइल यूज करने वाले बच्चे जा रहे हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो के फर्स्ट पोर्शन में मैं लैपटॉप इंस्टॉलेशन गाइड बता रहा हूँ, सेकेंड पोर्शन में मोबाइल इंस्टॉलेशन गाइड बताऊंगा, तो दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो लैपटॉप यूज करने वाले या जो मोबाइल यूज करने वाले हैं। तुम लोग पूछो कि भैया आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, क्या यूज करना चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल? तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है और भाई लैपटॉप में जान है, जान मतलब तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं, जान मतलब ये नहीं कि उस लैपटॉप में GTA 5 चलता हो, जान मतलब ये कि लैपटॉप तुमको धोखा ना दे दे एग्जाम के टाइम में, ऐसा लैपटॉप अगर तुम्हारे पास है तो गो फॉर लैपटॉप, अदरवाइज यू कैन गो फॉर मोबाइल एज वेल। इसका रीजन बहुत सिंपल था, मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूं, स्क्रीन बड़ी मिलती है, लैपटॉप जो है मेरे को कंसाइज लगता है, ज्यादा कंफर्टेबल लगता है एज कंपेयर टू मोबाइल फोन। तो देखो ये वाली लिंक तुम लोग ओपन करोगे, तो मैंने इसको ओपन इन न्यू टैब किया, ये देखो यहां पर तुम्हारा सिस्टम को चेक करेगा, ये देखो तो मेरा सिस्टम ऑल गुड बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 डाला हुआ है, ब्राउजर वर्जन मेरा अच्छा है, जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड है, स्क्रीन साइज ये देखो, तुम लोगों को मोबाइल फोन जिन लोग यूज कर रहे थे उनका ये स्क्रीन साइज जो है वो आ रहा है स्क्वायर शेप का, क्या है सॉरी ट्रायंगल शेप का, येलो। भाई तुम लोगों का मोबाइल फोन में क्यों 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 दिखाएगा, लैपटॉप की साइज की स्क्रीन थोड़ी है तुम्हारे फोन में, वो तुम लोगों के लिए था ही नहीं, तुम लोग क्यों टेस्ट किए मेरे को समझ में नहीं आया, शायद मैं तुम लोगों को बताने में गलती कर दिया, पर यहां लिखा हुआ था देखो बेटा लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए ये पोर्शन, तुम लोग क्यों टेस्टिंग किए, चलो कोई बात नहीं, कर लिए टेस्टिंग, अब टेंशन मत लेना, तुम लोग के लिए वो नहीं था, तुम्हारी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, अब देखो ये वाला लिंक तुम्हारा खुला हुआ है, यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पर ये जो तुम लोग पूछ रहे थे भैया वाली PDF की लिंक है जिसमें वो लड़का बैठा हुआ था, तो ये रही वो PDF की लिंक, अगर तुम लोग यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो तुम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट गाइड PDF दिख रहा है ना, इसको तुम क्लिक करोगे ना तो ये देखो तुमको यहाँ पर वो वाली लिंक मिल जाएगी जहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ था, ठीक है? तो ये तुम लोग जो मेरे से पूछ रहे थे मैंने तुमको बता दिया कि ये वाली लिंक तुमको कहाँ से मिलेगी। बैक टू द नोटिफिकेशन अगेन, रुको अब मेरे को इसमें देखने दो, ये रही सैप टूल की लिंक, ये देखो ये सैप टूल की लिंक है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ओपन इन न्यू टैब, ठीक है? सब चीज मैं न्यू टैब में ओपन करूँ, देखो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, बैफ अफरीन फाउंडेशन 2020, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इससे हमको मतलब भी नहीं वैसे, ठीक है? अबाउट एन आर है, गेस्ट कंट्रीब्यूटर डाला हुआ है यहाँ पर, ओके लेट्स सी इसमें क्या है, डेस्कटॉप व्हाट इज दिस, आयरा फीस वेविया अफरीन रजिस्ट्रेशन CME फाउंडेशन, आई थिंक ये किसी का कुछ गलती से डल गया होगा, लेट इट बी, हम लोग अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। सैप टूल देखो, अब तुम लोग के पास अगर विंडोज 10 है तो ये देखो विंडोज 10 का फोल्डर ये डाला हुआ है, और अगर तुम लोगों के पास विंडोज 7 या 8 है तो ये विंडोज 7 और 8 का फोल्डर डाला हुआ है, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा तुम वर्जन यूज कर रहे हो विंडोज का, अपने फोल्डर के अंदर एंटर करना, और ये सैप प्रोटेक्टर टूल एक्स लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक सॉरी, फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो डाउनलोड में क्लिक करना, तो ये देखो नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो गई है, मैं मेरे वजह से दिख नहीं रहा तुम लोग को, पर ये देखो मेरा सैप प्रोटेक्टेड टू डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो ये ओपन हुआ, विंडोज प्रोटेक्टेड योर PC डोंट रन, ठीक है? तो यहां पर रुको, ये देखो तो तुमको अब दिख रहा होगा विंडोज प्रोटेक्टेड योर PC, ऐसा मेरे को नोटिफिकेशन आया है, ठीक है? तो यहां पर तुमको डोंट रन का ऑप्शन मिलेगा, प्लस यहां पर तुमको मोर इन्फॉर्मेशन नाम का एक क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मोर इन्फॉर्मेशन में तुम लोग क्लिक करना, ठीक है? फिर यहां पर रन एनीवेज में मैं क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखो क्या बोल रहा है, सैप प्रोटेक्टर डॉट एक्स मेरे को बोल रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, तो यस क्लिक करना, ठीक है? तुम लोगों को वो दिखा नहीं क्योंकि ये इसको बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो इस वजह से ये देखो ये आ गया मेरा सैप प्रोटेक्टर टूल। देखो यू कैनॉट रन दिस एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल डिस्प्ले, ओके तो मेरे पास मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टेड है, इस वजह से ये बोल रहा है आई थिंक आई कैन नॉट रन दिस, तो आई नीड टू स्टॉप माई मल्टीपल डिस्प्ले, वेट देखो तो अब तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूं तुम्हारा सैप प्रोटेक्टर टूल, ये देखो रन करके, तो ये देखो ये रहा सैप प्रोटेक्टर, ये देखो तुम लोग के अपने डेस्कटॉप में डाल के रखो, मैंने इसको किया ओपन, तो तुम मेरे को इसने कमांड मांगी तो मैंने यस क्लिक किया, ये देखो अब ये मेरे विंडोज को चेक कर रहा है,
ठीक है, तो लेट्स वेट अंटिल दिस चेक। ये देखो, ये देखो, इसने चेक किया मेरे विंडोज को, तो देखो एवरीथिंग इज गुड, ओएस इज गुड, ठीक है, गूगल क्रोम, और ये देखो मेरी स्क्रीन साइज दिखा दिया, टाइमर ओके है, एचटीटीपी गेट ओके, एचटीटीपी पोस्ट, वेबकैम फाउंड है और माइक फाउंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने फाउंड बता दी, ये देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो इसने सारी चीजें फाउंड बता दी। अब यहाँ पर एक्सेस टोकन में ही तुम लोगों को डालना है CMA 2020, पर मैं यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को भी अभी नहीं करना है भाई, एग्जाम वाले दिन करना है, अभी नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट टेस्ट में क्लिक किया तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका था ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, तुम्हारा पूरा लैपटॉप को फ्रीज कर देता है। तो ये तुम लोगों का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। पर कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है वेबकैम फाउंड नहीं बोल रहा, तो मैंने बोला था बेटा रीस्टार्ट करो, और यहां पर ना ये देखो ऊपर में ये देखो ये सर्कल आ रहा है तुमको ब्लू कलर का, इस पे क्लिक करना, ये देखो तो वो रीलोड करता है, ठीक है। तो रीलोड करके तुम चेक करना, क्योंकि ये वेबकैम वाला इशू पिछले बार भी आया था, 2-3 बार करने से ये सॉर्टेड होती है चीजें, ठीक है। तो ये चीज तुम जरूर ट्राई करना, या फिर तुमको चेक करना है, अगर फिर भी वेबकैम फाउंड नहीं बोला तो तुमको अपने लैपटॉप का, तुम्हारा जो भी कंपनी का लैपटॉप हो, तुमको उस कंपनी का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, मतलब अगर एचपी का लैपटॉप यूज कर रहे हो तो एचपी का वेबकैम का ड्राइवर डाउनलोड करना, अगर तुम्हारा लेनोवो का लैपटॉप है तो लेनोवो का ड्राइवर डाउनलोड करना, अगर तुम्हारा डेल का लैपटॉप है तो डेल का ड्राइवर डाउनलोड करना, तुमको अपने वेबकैम का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हारा जो वो है उसका ड्राइवर जो है वो गायब हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज तुमको करनी पड़ेगी, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे करके तुम्हारा काम बन जाएगा यहां पर। तो ये हो गई लैपटॉप वाले बच्चों की बात। तो लैपटॉप वाले बच्चे तुम लोग ऐसे ही प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे, और तुम लोगों का जो वेबकैम का प्रॉब्लम आ रहा है मैं तुमको पहले बता दियो। देखो वहां पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम लोग पूछ रहे थे भैया नेट में राइट दिखा रहा है पर सॉफ्टवेयर के अंदर वो नहीं दिखा रहा है, उसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि नेट ने तो डिटेक्ट कर लिया कि लैपटॉप जो यूज हो रहा है उसमें वेब कैमरा लगा हुआ है, बट यहां पर तुम्हारे वेबकैम का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा या अपडेटेड नहीं होगा, तो तुमको ड्राइवर अपडेट करना है। यूट्यूब में तुम सर्च भी कर सकते हो कि ड्राइवर कैसे अपडेट करते हैं वेबकैम का, तो वेब कैमरा का ड्राइवर अपडेट कर दोगे तो सब वर्क करना चालू कर देगा। बात करते हैं मोबाइल फोन वाले बच्चों के बारे में। तो मोबाइल फोन वाले बच्चे तुम लोगों को भी डाउनलोड करना है क्या कोक्यूब्स असेसमेंट ऐप, तो चलो करते हैं यहां पर काम अपना चालू। प्ले स्टोर में मैं जा रहा हूं तुम लोग के साथ, ये मैं प्ले स्टोर में आ गया हूं, मैंने यहां पर लिखा कोक्यूब्स, कोक्यूब्स असेसमेंट ऐप। तो ये देखो ये तुम्हारी ऐप है, ये देखो तुमको दिख रही होगी, ये देखो कोक्यूब्स असेसमेंट ऐप, ये वाली ऐप तुम लोगों को डाउनलोड करनी है। इसकी रेटिंग अभी 3.8 चल रही है, 100K+ डाउनलोड है, ये वाली ऐप तुमको डाउनलोड करनी है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट फॉर मी। मैं स्टार्टिंग से पूरा प्रोसीजर मैंने कुछ भी पहले से इंस्टॉल करके इसलिए नहीं रखा कि तुम लोगों को सब दिखाना चाहता था। तो यहाँ पर एक बार ये ऐप इंस्टॉल हो जाए तो मैं तुमको आगे का फर्दर प्रोसीजर बताता हूँ। फिर उसके बाद तुमको इसको ओपन करना है, ठीक है। मोबाइल फोन वाले बच्चों को तुम लोगों को कोई अब ये परमिशन मांगेगा तुमसे, तो जो भी परमिशन है वो तुम इसको दे देना, क्योंकि देनी ही पड़ेगी नहीं, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। अब यहाँ पर तुमको असेसमेंट यूआरएल डालने बोल रहा है, तो असेसमेंट यूआरएल जो तुम्हारे पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है, देखो मैं तुम लोगों को बता भी देता हूँ। लेट मी टेल यू, योर असेसमेंट यू आर एल इज CMA 2020, CMA small में 2020, दिस इज योर असेसमेंट यू आर एल। तो ये तुम डालोगे और कंटिन्यू में क्लिक करोगे, कंटिन्यू में तुम लोगों को ऐसा ऑप्शन आएगा ना, ये देखो ऑप्शन तुमको इस तरीके का दिखेगा, असेसमेंट यू आर एल डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और कंटिन्यू यही ऑप्शन आएगा। स्विच टू प्रॉक्टर मोड मत दबा देना, नहीं तो वहां पर लॉग इन वगैरह मांग लगेगा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। असेसमेंट यू आर एल में तुम CMA 2020 डालोगे, चलो मैं डाल भी देता हूँ CMA 2020, कंटिन्यू में क्लिक करोगे, तब फिर तुमको तुम्हारा नेम पूछेगा, योर फुल नेम, योर रजिस्ट्रेशन आईडी, योर जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ और फाइनली पास की, और फिर दो बॉक्सेस दिखेंगे तुमको येलो कलर के, तुमको उसको दोनों बॉक्सेस में राइट टिक कर देना है और स्टार्ट असेसमेंट में क्लिक करोगे तो तुम्हारा टेस्ट चालू हो जाएगा। बट ये काम तुमको कब करना है, ये काम तुमको करना है एग्जाम वाले दिन, अभी नहीं, आज नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है पर तुम्हारे पास पास की नहीं है, और पास की कब आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है भैया, पास की कब आएगी, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ही आएगी पास की, ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले, एक या दो दिन पहले, पिछले बार 2 दिन पहले आ गई थी, तो एग्जाम के एक या 2 दिन पहले पास किया, और जैसी पास की आती मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो वो चीज का तुम लोग ध्यान में रखना कि पास की तुम्हारे पास नहीं तो लॉग इन अटेम्प्ट करो ही मत, चाहे तुम लैपटॉप वाले बच्चे हो, चाहे तुम टैबलेट वाले, चाहे मोबाइल फोन वाले, कैसे भी बच्चे हो। बच्चे पूछ रहे थे भैया हम लोग टेस्ट कैसे करें हमारी इंटरनेट स्पीड, तो उसका भी सोल्यूशन इधर इच मिलेगा, इधर इच प्ले स्टोर में जाओ, मोबाइल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर में जाओ, और जो लैपटॉप वाले बच्चे हैं वो कैसे कर सकते हो, fast.com पे जाओगे तुम लैपटॉप में, देखो मैं तुमको बता देता हूँ एक सेकेंड, fast.com में तुम जाओगे तो वहां पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे fast.com तो तुमको तुम्हारी इंटरनेट स्पीड बता देगा। जैसे मैं तुमको शो कर देता हूँ व्हाट इज माय इंटरनेट स्पीड करेंटली, लेट मी शो यू,
देखो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ लैपटॉप में तुम कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने न्यू टॉप खोला, यहां पर मैंने लिखा fast.com और एंटर क्लिक कर दिया। अब ये देखो ये मेरे इंटरनेट स्पीड को टेस्ट कर रहा है, तो लेट्स सी कितनी आती है। ये देखो 91 Mbps, ये मेरी इंटरनेट स्पीड है। अब तुम लोग शॉक मत हो जाना, वाईफाई लगा हुआ है इसलिए इतना स्पीड है। तो 91 Mbps मेरी स्पीड है। एग्जाम के लिए तुमको कितना Mbps स्पीड चाहिए? 1 Mbps स्पीड चाहिए। तो ऐसे तुम अपने लैपटॉप में या फिर उसमें टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारी स्पीड कितनी है। बात करूं अगर मैं फोन की, तो फोन में लिखना OOKLA। क्या लिखोगे? OOKLA स्पीड टेस्ट बाय Ookla। तो ये देखो ये वाला सॉफ्टवेयर तुमको देखने को मिलेगा, ये देखो स्पीड टेस्ट बाय Ookla, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर तुमको देखने को मिलेगा। ओहो, इसने तो मुझे ही काट दिया मेरे ही वीडियो से, ऐसा कैसे कर सकते हो आप। हाँ, स्पीड टेस्ट बाय Ookla, इसको तुम इंस्टॉल करो, ठीक है। मैं तुमको बता दे रहा हूँ स्पीड टेस्ट कैसे करना है मोबाइल में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्पीड टेस्ट अपना जान लो बेटा, नहीं तो एग्जाम टाइम में तुमको रुला देगा ये, ठीक है। वेटिंग फॉर इंस्टॉलेशन, ओपन कर लिया मैंने ऐप को, इंस्टॉल हो गई है। अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक कर लो, परमिशन अलाउ कर दो, ठीक है, अलाउ कर दो। अब ये देखो यहां पर तुमको ऐसा ऑप्शन आएगा, तो गो में क्लिक करना, गो, ठीक है। तो नाउ इट इज टेस्टिंग, ठीक है। ये देखो ऐसे ही टेस्ट करता है स्पीड टेस्ट। तो ये देखो स्पीड टेस्ट हो रहा है, मैं तुमको बता देता हूं अभी फिलहाल। तो पहले ये डाउनलोड स्पीड टेस्ट करेगा, फिर ये अपलोड स्पीड टेस्ट करेगा, ठीक है। तुमको मेन डाउनलोड स्पीड पे ही ध्यान देना है। हो गया डाउनलोड स्पीड टेस्ट, हो गया, अभी अपलोड स्पीड टेस्ट कर रहा है। ये देखो तो ये मेरा रिजल्ट आ चुका है, ये देखो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड। ये देखो ऊपर में तुमको दिखेगी डाउनलोड स्पीड मेरी 92.1 Mbps है और अपलोड स्पीड 89.4 Mbps है। तो ये मेरी स्पीड है जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एग्जाम के लिए 1 Mbps चाहिए। मेरे पास 92 और 89 है। तो तुम्हारे घर में भी वाईफाई होगा, तुमको ऐसी स्पीड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग स्पीड टेस्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप में और मोबाइल में, तो इससे तुमको पता चल जाएगा स्पीड कितनी है। बच्चे पूछ रहे थे भैया पता कैसे चलेगा मोबाइल में वेबकैम वर्किंग है कि नहीं, तो उसका भी सॉल्यूशन अभी बता रहा हूं। देखो इफ यू वॉन्ट टू चेक योर वेब कैमरा यूजिंग इंटरनेट, सिंपली गो टू webcamtest.com। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं webcamtest.com/ लिखना, चेक क्लिक करना, फिर उस वेबसाइट में तुम जाओगे तो तुमको कुछ ऐसा टाइप इंटरफेस देखने को मिलेगा। सितंबर अटैम्प में इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही चेक करवाया था इसको, ठीक है। तो ये देखो यहां पर तुम लोगों को ऐसे ग्रीन कलर का डब्बा आ जाएगा, ग्रीन कलर का डब्बा इसलिए गायब हो जा रहा है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारा कैमरा जो भी नाम लिखा रहेगा, नंबरिंग और फ्रंट फेसिंग लिखा रहेगा, उसमें नीचे लिखा रहेगा चेक माई वेबकैम। तो चेक माई वेबकैम में तुम क्लिक करोगे तो ये देखो यहां पर ये देखो तुम लोगों को तुम्हारा ये देखो मेरा कैमरा दिखने लगेगा तुम लोगों को, ये देखो ऐसे करके तुम्हारे फ्रंट कैमरा को ऑन कर देगा और फिर वो तुमको चेक करने लगेगा। तो बस अगर फ्रंट कैमरा ऑन ही हो गया ना, तुरंत स्टॉप वेबकैम में क्लिक करना और भाग जाना है वेबसाइट से, हो गया तुम्हारा कैमरा सही है, ठीक है। तुम्हारा चेहरा दिख गया मतलब तुम्हारा कैमरा सही है। उसके अलावा तुमको माइक टेस्ट करना है अगर, तो उसके लिए जो लिंक है वो है, एक मिनट इसकी भी मैं बता ही दूं, खत्म करते हैं आज, ठीक है, सारे तुम लोगों के जो प्रॉब्लम्स है। माइक टेस्ट तुमको करना है तो तुमको लिखना पड़ेगा MICTEST.com, ठीक है, MICTEST.com। तो वो तुमको ले जाएगा माइक टेस्टिंग के वेबसाइट पे, जो कि अभी ओपन नहीं हो रही है मेरी, नहीं पता क्यों। चलो माइक टेस्ट तो ओपन नहीं हो रही मेरी, पर आई थिंक फ्रंट कैमरा ही चेक करना इज सफिशिएंट, माइक टेस्टिंग जरूरत नहीं। बट देन ऑल्सो यू कैन ट्राई इन योर फोन, मेरे फोन में नहीं पता ओपन नहीं हो रही, वेबसाइट का ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वेब कैमरा तुम ऐसे टेस्ट कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि वेब कैमरा टेस्ट करने की जरूरत है यार। फ्रंट कैमरा तुमको सही है मतलब सही है, उसमें क्या, फोन में नहीं चेक करने की जरूरत है, लैपटॉप में है आवश्यकता, क्योंकि लैपटॉप में ड्राइवर्स की जरूरत होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो लैपटॉप में तो ऑफकोर्स नहीं चलेगा, पर मोबाइल फोन में यार ऐसा कुछ नहीं होता, मोबाइल फोन में चलेगा ही चलेगा, तो ऐसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टेंशन मत लो, अब बाकी कोई भी डाउट है तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को वीडियो बना के समझा दिया, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इंस्टॉलेशन का। बाकी अभी लॉगिन अटेम्प्ट मत करो क्योंकि भी कोई फायदा ही नहीं है, पास की नहीं है तुम्हारे पास, तो अंदर कैसे जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम वाले दिन ही ट्राई करना है इसको 25th November की। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी और कर ही जाएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा हमको भी तुमको भी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देख के इंस्टॉल कर पाए, जो भी दिक्कतें आ रही है उनको उसको क्लियर कर पाए उन लोग, ठीक है। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।